कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो लास्ट टाइम बैनबेरो को थोड़ा सा हंट वगैरह करने के बाद मास्टर रैंक के काफ़ी सारे ऑप्शनल क्वेस्ट वगैरह बच गए थे, जैसे कि तुमने यहाँ पर देखा होगा। और एक चीज़ मुझे और पता चला, लो रैंक के इवेंट क्वेस्ट मैं अभी तक अनलॉक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हाई रैंकिंग में मेरा लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन में जाके देखूँ तो देख सकते हो यार, HR 25 पे हूँ मैं और MR 3 पे हूँ। इसका मतलब हाई रैंक 25 और मास्टर रैंक 3। तो हाई रैंक का लेवल अप करना है जो कि मैं मास्टर रैंक के क्वेस्ट खेल के भी कर सकता हूँ। तो चलो यार, आज कुछ ऑप्शनल क्वेस्ट वगैरह कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऑप्शनल क्वेस्ट में सिर्फ नए मॉन्स्टर ही नहीं, कुछ पुराने मॉन्स्टर्स भी देखने को मिलते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि उन पुराने मॉन्स्टर्स में से कुछ नए मॉन्स्टर पार्ट्स भी मिल सकते हैं। तो यार एज यूजल चलो शुरू करते हैं, देखते हैं मास्टर रैंक में कौन से रीअकरिंग क्वेस्ट वगैरह है। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ लिटरेरी थीफ कुलू यकू, काफ़ी टाइम हो चुका है इसको हंट करे हुए, तो चलो यार सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं। तो आज मैं लेके जाऊँगा लॉन्ग स्वॉर्ड और इससे हंट करना है मुझे कुलू यकू। क्वेस्ट लोड टाइम का वेट करते करते मैं देख लेता हूँ मेरे इन्वेंटोरी में कोई नया चीज़ है कि नहीं, या फिर मेरा इन्वेंटोरी फुल है कि नहीं। और तो कुछ नहीं, बस इतना ही। चलो वेट करते हैं। तो यार क्वेस्ट लोड हो चुका है, चल लेते हैं एंशिएंट फॉरेस्ट पे कुलू यकू के हंट के लिए। मैं उम्मीद कर रहा था ग्रेट जैग्रॉस का भी रिटर्न होएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। बहुत ही गलत जगह पर लाके मुझे छोड़ा है। तीन तीन मॉन्स्टर्स एक साथ। तो यार यहाँ पर देख सकते हो स्कैटर्ड गोल्ड चिप करके मुझे कुछ तो भी मिला है, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ तो भी नया मॉन्स्टर पार्ट मुझे मिले। तीन एक्स्ट्रा मटीरियल्स, मेढक को मैं लात मार दूंगा और यहां से भाग जाऊंगा। तो फंस चुके हैं सबके सब। कुलू यकू को मैं कर दूंगा टेंडराइज। एक और बार वॉल बैंक हो नहीं पाया ये, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो एटलीस्ट टेंडराइज हो चुका है। फोरसाइट, जरूरी नहीं है कि एक ही मॉन्स्टर के उससे फोरसाइट मारूं मैं। किसी के भी अटैक पर मैं फोरसाइट कर सकता हूं, जैसे कि यहां पर इसको फोरसाइट किया और हिट कुलू यकू को किया। तो यार स्पिरिट गेज हो चुका है फुल। हेल्म ब्रेकर मैंने अंधाधुन मारा था। तो भी कटाची ने डैमेज दे दिया। इनके बीच में रहना अभी अकलमंदी की बात नहीं लग रही। थोड़ा दूर जाके पहले मैं कर लेता हूँ खुद को शार्पन। तीनों एक दूसरे को पीटे पड़े हैं, मुझे कुछ करने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ रही। एक के पास है जहर, एक के पास है करंट, इसके पास कुछ है नहीं, बस मुर्गा है। वो मुर्गा तो नहीं कहूंगा, टर्की है। और आज थैंक्स गिविंग का दिन है, भले ही ना हो बट मेरे लिए है। और आज डिनर में मेरे को ये मांगता है। तो यार पूरा ही टेंडराइज हो चुका है ये। फोरसाइट, हेल्म ब्रेकर,
फोरसाइट, कॉम्बो कंप्लीट। वहां पर मैं ईआई स्पिरिट स्लैश देने वाला था लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, और इसी टाइम पे कूलू को भी अच्छा डैमेज मिल गया। खैर जो भी है, पत्थर बस बाहर ना निकालना, और निकाल लिया। बड़े ही मजेदार हिटबॉक्स है गेम के, भले ही पत्थर के नीचे रहो या ऊपर, बस हिटबॉक्स होना चाहिए। फिर से हिटबॉक्स का इशारा, नाइस। एक और बार हेल्म ब्रेकर, मास्टर रैंक कुलुयुकु में काफ़ी ज़्यादा दम है, देख सकते हो अभी भी चल रहा है इतने टाइम बाद। लो रैंक या फिर हाई रैंक का होता तो ये अभी तक ख़त्म हो चुका होता। तो चलो यार, करते हैं इसका पीछा। दो स्लिंगर एमोज है सिर्फ मेरे पास, और इसको एक बार वॉल बैंक देने में बहुत होगा। आई मीन वॉल बैंक कितने भी स्लिंगर एमो रहे तो मुझसे दे सकते हो, भले ही एक रहे या दो रहे या तीन। कुछ नए और मिले हैं यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि मास्टर रैंक के ओर वगैरह है। तो यार कूलू रघु यहाँ पर है, सही से एम नहीं आया, और ये लग गया है वॉल बैंक, और वो वॉल के ऊपर चढ़ गया, वॉल बैंक नहीं हुआ। बढ़िया, इसके ऊपर सवार हो चुका हूं मैं, इतनी जल्दी नीचे गिरेगा नहीं पता था मुझे। और इस गेम के सबसे अनोइंग जीव आ चुके हैं यहां पे, हेल्म ब्रेकर। बढ़िया, फिर से फोरसाइट, कॉम्बो कंप्लीट। एकदम सर पे पड़ी है इसकी हेल्म ब्रेकर। पत्थर उठा चुका है वो, बहुत बढ़िया बिल्ले। एक और बार हेल्म ब्रेकर, लेकिन बहुत ही ज्यादा दूर था मैं उसके। खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कमजोर हुआ नहीं वो, तो सोच सकते हो यार कितना ज्यादा दम होगा उस पे। कुछ और नए मास्टर रैंक के ओर मिल चुके हैं, इससे पहले मैं कर लेता हूँ अपने तलवार को शार्प और चल लेता हूँ फिर कुलियकू के पीछे। तीन पियर्सिंग पॉड्स है मेरे पास, तीन स्लिंगर एमो, होपफुली एक वॉल बैंक मिल सके मेरा स्पिरिट गेज खत्म होने से पहले। और जिस एरिया पे जा रहे हैं लगता है एक स्टंप तो मिल ही जाएगा, यूजुअली मॉन्स्टर उसी के नीचे बैठा होता है, तो मैं पहले तो पत्थर गिरा दूंगा। गलत जगह पे, बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया था मैं। हेल्म ब्रेकर, उसका पत्थर पता नहीं फॉर सम रीजन शील्ड की तरह काम करता है, और अभी मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका है। यकीन नहीं होता कूलू यकू से इतना ज्यादा परेशानी हो रही है मेरे को। ओके, एक और बार
हेल्प, मिस हो गया। तो यार आखिरकार वो हो चुका है कमज़ोर। लेकिन इससे पहले यहाँ पर अगर मुझे सही से याद होगा एक हड्डियों का ढांचा था, ये रहा बोन पाइल। तो मैं इसको पहले लूट लेता हूँ, क्या पता मास्टर रैंकिंग के कुछ नए मटेरियल्स मिल जाए। लगता तो नहीं है, खैर कोई दिक्कत नहीं, चल लेते हैं कूलू यकू के पीछे। स्टैमिना काफी कम दिखाई पड़ रहा है मुझे और स्पिरिट गेज भी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, लेकिन इसके अड्डे पे पहुंच चुका हूं मैं। और ये खा रहा है अंडा, इसके अंडे के साथ इसका सर भी फोड़ूंगा मैं। नाइस, अच्छी कोशिश थी, कोशिश करूंगा इसको इस तरफ। ओ स्टन हो चुका है वो अच्छे से, मेरे बोलते ही अनस्टन हो गया। एक बार फिर से स्टन, बहुत ही बढ़िया, शार्पनेस कम हो चुकी है और क्वेस्ट भी हो चुकी है खत्म। नाइस, तो यार अभी देख सकते हो कूलू यकू को, अब जब मैं लूट करूंगा साइड में डिस्क्रिप्शन भी आएगा लूटिंग का, इसका मतलब है कि मास्टर रैंक मटेरियल्स वगैरह है। नाइस, नेक्स्ट क्वेस्ट जो है वो ट्राई करते हैं कि पूके पूके का हो एज यूजुअल। और शायद से इस क्वेस्ट में, या फिर शायद से मास्टर रैंक क्वेस्ट में ग्रेट चपरासी ग्रेट जगरासी नहीं मिलेगा, तो उसकी याद जरूर आएगी। तो यार क्वेस्ट हो चुका है खत्म, फिर से कोशिश करेंगे एक और मास्टर रैंक के क्वेस्ट का। देख सकते हो काफी सारे नए मटेरियल्स मिले हैं और एक नया डेकोरेशन भी मिला है। स्मिति के पास जाकर चेक करते हैं क्या है वो। Let's head out to the Hoarfrost Reach and try to pick up those Legiana's trail. जैसे कि यार तुम देख सकते हो मेन क्वेस्ट जो है मैं अभी ध्यान दे नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना लेवल बढ़ाना है। ड्रॉ एंड मेंटेनेंस, क्रिटिकल ड्रॉ और स्पेशलिस्ट। क्रिटिकल ड्रॉ से बेसिकली क्या होता है ना, जब भी तुम एक ड्रॉ अटैक करते हो, मतलब शीत से सबसे पहले एक अटैक करते हो, तो उसका डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। ये यूजुअली ग्रेट स्वॉर्ड्स में बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, लेकिन लॉन्ग स्वॉर्ड में ज़रूरत नहीं है। स्मिथी के पास जाते हैं, देखता हूँ कुछ नया चार्म्स वगैरह होगा कि नहीं, क्योंकि चार्म्स वगैरह बहुत इग्नोर किया है मैंने शुरू से। तो यार दो चार्म्स मिले हैं मुझे, गार्डियन चार्म और शेवर चार्म। तो शेवर चार्म मैं तुमको बता दूं, क्लच क्लॉ बूस्ट देता है। इसका मतलब ये है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पोटेंट चार्म है ये। मतलब कि पहले अपने को लाइट वेपन से टेंडराइज करने के लिए दो बार हिट करना पड़ता था, अभी सिर्फ एक बार हिट करना पड़ेगा। तो क्लच क्लॉ बूस्ट मिल चुका है, इसका मतलब लॉन्ग स्वॉर्ड और इंसेक्ट ग्लेव और ज़्यादा पावरफुल बनेंगे, इवन डुअल ब्लेड्स भी। ओह शिट, मैंने फिर से जॉइन क्वेस्ट पे क्लिक कर दिया। चलो यार फिर से ऑप्शनल क्वेस्ट ढूंढने चलते हैं इस बार। न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जिसमें है पूके पूके। चलो क्लच क्लॉ बूस्ट को इस बार इस क्वेस्ट पे टेस्ट कर लेते हैं। क्लच क्लॉ बूस्ट जो है यूजुअली बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड स्किल है, खास करके लाइट हिटिंग वेपन्स के लिए, जैसे कि लॉन्ग स्वॉर्ड हो गया,
या फिर इनसेक्ट ग्लेव हो गया या फिर डुअल ब्लेड्स हो गए। और मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। तो यार देखो, जैसे कि यहाँ पर है पुके पुके, राइट, मैंने एक बार करके इसको टेंडराइज किया और देख सकते हो एक ही बार में इसका सर टेंडराइज हो गया। उसी तरीके से इसके पैर को भी, पूरा शॉट। मुझे वॉल बैंग लेना था लेकिन हो नहीं पाया। फिर से नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं। कायरों की तरह बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज अटैक्स कर रहा है ये। सबसे पहले खुद को दे दूंगा मैं एंटीडोट और इसको जरा इस तरफ बुलाऊंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अभी तक वो एग्रो हुआ नहीं है, तो मैं शायद उसको एक और बार वॉल बैंक दे सकूं। नाइस, बाकी की चीजें भी टेंडराइज कर ही देता हूं। पहला पंख हो चुका है टेंडराइज और इसी हिसाब से मेरा शार्पनेस भी खत्म। और देख सकते हो सही टाइम पे या स्प्रिट स्लैश करने पे मेरा स्पिरिट गेज कम नहीं होता। कर दूंगा मैं खुद को शार्पन और रेडी हूं मैं हेल्म ब्रेकर के लिए। बढ़िया हेल्म ब्रेकर पार्ट ब्रेक मिला मेरे को। एक और स्टन, बहुत सही, बिल्ले सर पे पड़ चुकी है हेल्म ब्रेकर। नाइस, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसकी पूंछ काट दूं। चलो पहले कर लेते पूंछ को टेंडराइज। अरे यार दहाड़ दिया इसने, यार कोई दिक्कत नहीं, पीछा करूंगा इसका। पीछा करते करते रिसोर्सेज भी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जितना मुझे याद है हीलिंग पोशंस वगैरह कम पड़ गए थे, और इस बार ऐसा लग रहा है स्टैमिना कम पड़ रहा है। तो खाऊंगा मैं वेल्डन स्टेक यहाँ पे। पूछ हो चुका है टेंडराइज, हेल्म ब्रेकर रेडी। नाइस, फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट। पूंछ कट चुकी है लेकिन कॉम्बो मिस हो चुका है। फोरसाइट नहीं लगा इस बार, फोरसाइट सक्सेसफुल। बहुत ही टाइट हिटबॉक्स था वो। अच्छी पोजिशनिंग हेल्प ब्रेकर की। नाइस, नॉट नाइस। थोड़ा सा डिस्टेंस लेके मैं कर लेता हूँ वेपन शार्पन। वैसे जरूरी नहीं है हर एक लेवल के बाद कि मैं वेपन शार्पन करूँ, बट हाँ मैक्सिमम शार्पनेस मेंटेन करके हिट करने में जो डैमेज है वो नंबर ज़्यादा बढ़ता है। वेपन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि क्या कहते हैं, मतलब शार्पनेस ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको बैक ऑफ द हैंड ही छोड़ दिया जाए। शार्पनेस क्योंकि अपना जो डैमेज है उसको अफेक्ट करता है।
और बार कर देता हूँ मैं इसको टेंडराइज। थैंक्स वांकड़ बिल्ले। आई गेस मैं हेड टेंडराइज करना भूल गया। गलत टाइम पे था हार्ड। तो यार जाने से पहले सबसे पहले मैं इसकी पूंछ लूट लूंगा, लेकिन मेरा हंटर अभी स्लिंगर एमो ही उठा रहा है। नाइस। तो यार सबसे पहले देखा होगा लो और हाई रैंक में अपने को मिला था पुके पुके टेल, अभी अपने को मिला है पुके पुके लैश। आई मीन टेक्निकली वो पूंछ ही है, बस पूंछ का एक स्ट्रॉन्गर वर्जन है कह सकते हो। एप्टनॉथ वगैरह खड़े हैं यहाँ पे, स्पिरिट गेज रेडी है। एक और बार बहुत सही हेल्म ब्रेकर एकदम शक्ल पे। फोरसाइट करने का बहुत ही अच्छा मौका था लेकिन एनिमेशन में अटक गया मैं। बहुत ही बुरी टाइमिंग, वेपन की शार्पनेस भी ऑलमोस्ट दो लेवल नीचे गिर चुकी है। मौका मिलते शार्पन कर लेता हूँ। तर देखो अभी एनवायरमेंटल ट्रैप में फंस चुका है वो, अच्छा मौका है मेरे पास। कॉम्बो कंप्लीट, नाइस। हेल्म ब्रेकर, ईआई स्पिरिट, नाइस। बढ़िया कॉम्बो था वो। जितना मुझे लग रहा है अपने अड्डे पे ही वापस जाएगा, और किस्मती से मुझे इसके अड्डे का रास्ता शायद पता है, शायद क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है, बट हाँ शायद पता है। तो इधर ही से लास्ट टाइम मैं आया था, तो क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? सही रास्ते पे हूँ। स्पिरिट गेज धीरे धीरे डाउन हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि पुके पुके तक पहुंचने से पहले उसको एक हेल्म ब्रेकर में लगा पाऊंगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक और बार वॉल बैंक करके फिर से ही फुल कर लूँगा। स्टैमिना हो चुका है ख़त्म। ऑफ कोर्स चलो यार, एटलीस्ट एक सवारी मिल चुकी है। बिल्ला डेस्परेटली कोशिश कर रहा है एक और पैरालाइज मिले। कर देख सकते हो यहां पर डीएम वगैरह भी कर सकते हैं। तो किसी ने कहा कि अपने ही इंडिया से किसी ने भी तो कहा कि हंट्स में हेल्प चाहिए तो बताना। वेल अभी तो स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ मैं, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लगता नहीं है कि वे हेल्प हंट्स में हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। फोरसाइट, कॉम्बो कंप्लीट। हेल्म ब्रेकर और ये नाइस शॉट, शॉट नाइस नहीं था, काफ़ी सारे डैमेज वाइट में चले गए। लगता है फिर से टेंडराइज करना पड़ेगा इनको।
नाइस। और यार पुके पुके हो चुका है खत्म। हाँ, काफी लंबा हंट था लेकिन काफी मजेदार भी। कुछ नए मूव सेट्स भी देखने को मिले। लास्ट टाइम अगर याद होगा कि पुके पुके के नए हंट में उसने पूंछ से जहरीली गैस छोड़ी थी, टेक्निकली उसको पाद मारना बोलते। इस बार ऐसा कोई मूव सेट नहीं था, या फिर शायद मैंने उसकी पूंछ काट दी सबसे पहले इसलिए वो कर नहीं पाया। बट एनी हाउ यार, पुके पुके का हंट भी हो चुका है खत्म। मौका रहती कुछ मच्छर मार लेते हैं। वेस्पॉइड रेजर विंग मास्टर रैंक में इन छोटे मॉन्स्टर्स के भी नए नए मटेरियल्स हैं। Throttle and maintenance, not bad, not bad. चलो यार देखते हैं कुछ नया आर्मर अनलॉक हुआ हो कि नहीं। और गेम के एक और मैकेनिक के बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी इवेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो यार अगर तुम देख सकते हो मेरे बॉटम राइट कॉर्नर में लॉग इन बोनस मिला है। तो लॉग इन बोनस यूजुअली मैं क्लेम कर लेता हूँ कभी भी वीडियो शुरू करने से पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो लॉग इन बोनस में मुझे मिला है स्प्रिंग ब्लॉसम टिकट और ब्लॉसम फायरवर्क्स, राइट, और फुल ब्लूम टिकट्स जैसे भी कुछ चीज़ें हैं। तो शुरू से ही स्ट्रीम करते करते, स्ट्रीम नहीं, वीडियो बनाते बनाते ये सब चीज़ें काफ़ी कलेक्ट हो गई है मेरे पास। तो इन टिकटों का फ़ायदा क्या है? इन टिकटों का फ़ायदा ये है कि अगर मैं फोर्ज इक्विपमेंट में जाऊँ और आर्मर में जाऊँ, राइट, तो मास्टर रैंक के लिए अगर मैं एंड में देखूँ तो रोज़ एल्फा करके कुछ एक आर्मर सेट है जिसमें फुल ब्लूम टिकट की ज़रूरत है। और क्योंकि 5 आर्मर पीसेस है और देख सकते हो मेरे पास 8 फुल ब्लूम टिकट्स है, तो अगर मैं मॉन्स्टर स्लॉग बोन कलेक्ट कर लूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता मॉन्स्टर स्लॉग बोन किससे मिलता है, तो अगर मैं वो बोन कलेक्ट कर लूँ, वो मटेरियल कलेक्ट कर लूँ, तो बेसिकली मैं एक नया आर्मर सेट बना सकता हूँ जिसका तुम डिफेंस देख सकते हो यार है 150, अटैक बूस्ट है मुझे मिल रहा है इसमें 3, टूल स्पेशलिस्ट लेवल 3, रिजनमेंट लेवल 3, पार्ट ब्रेकर लेवल 2। बहुत ही अच्छे अच्छे स्किल सेट्स है और डिफेंस भी बहुत ही मज़ेदार है, स्लॉट्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं इसमें। तो यार कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट कुछ हंट्स में, कि आने वाले हंट्स में मेरा मतलब, कि ये वाला आर्मर बनाने की कोशिश करें, है ना। लेकिन अभी तो वो सब कुछ है नहीं, तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ है मेरे पास उसी से नया आर्मर क्राफ्ट करूँ। तो बेसिकली अभी मुझे चाहिए बियोटोडस स्टैमिना सर्च, क्योंकि मुझे इसमें मिल रहा है। ये चेस्ट पीस मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पुराना है, देख ही सकते हो तुम, है ना। तो बियोटोडस का चेस्ट पीस मैं कर लूँगा क्राफ्ट और इसको मैं कर लूँगा इक्विप। तो यार हेलमेट तैयार है, चेस्ट पीस तैयार है, आर्म पीस भी तैयार है, वेस्ट पीस भी तैयार है, बचता है तो सिर्फ लेग पीस। लेग पीस सुनने में मज़ेदार लग रहा है, ठीक है। लेग पीस मैं देखता हूँ अगर ऊपर से किसी का भी क्राफ्ट कर सकूँ तो। तो बोन बीटा में मुझे स्लगर मिल रहा है, अभी लेग पीस कुछ है नहीं, तो यार यही बोन क्राफ्ट कर, यही आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं। और ये कर लिया है मैंने इक्विप। तो यार चलो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेस्ट और क्या क्या अपने को मिलता है। तो यार वाई सो सीरियस ने, जिस बंदे ने मैसेज किया था उसने एक क्वेस्ट पोस्ट किया है, देखते हैं क्वेस्ट कौन सा है। फेड टू ब्लैक, अभी इसके बारे में मैं अगर बताना शुरू करूं तो बहुत सारे स्पॉयलर्स आ जाएंगे, तो उसको इग्नोर करते हैं। तो यार शुरू करते हैं, कौन सा शुरू करूँ। पुके पुके हो चुका है, कूलू यकू भी हो चुका है, टोबी कडाची बाकी है। तो यार शुरू करते टोबी कडाची का क्वेस्ट। क्वेस्ट है रेडी।
आ चुके हैं अपन एंशिएंट फॉरेस्ट पे। स्काउट फ्लाइज ने सेंट पकड़ लिया है और स्काउट फ्लाइज थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं, या शायद नहीं। चलो कर लेते हैं स्काउट फ्लाइज का पीछा। और देख सकते हो इस बार मास्टर रैंक जग्रॉसी भी यहां पर मौजूद है। टोबी कडाची फुटप्रिंट, नाइस। एक और स्काउट फ्लाइज ने पकड़ लिया है सेंट और मैं चल दिया टोबी कडाची की तरफ। अपने यूजुअल हैबिटेट में ही है वो। वॉल बैंक, ओके नाइस। पहला टेंडराइज, दूसरा टेंडराइज, कोशिश लेते एक और टेंडराइज करने का। पड़ चुका है तीसरा टेंडराइज, नाइस। ऊपर गया है अब, हाँ। बहुत ज्यादा एरियल वाले अटैक करने लगा है अभी ये। तो सही टाइम पे ईआई स्पिरिट स्लैश मारने से हेल्थ वगैरह कम नहीं होती। फोरसाइट, भाग रहा है मेरे से लेकिन भाग नहीं सकता। नया टोबी का डाची मटेरियल मिला है मुझे जो है कि लाइटिंग सैक। यूजुअली टोबी का डाची इस रास्ते पर तो नहीं भागता। पढ़ाई गेस मास्क, नहीं 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 भागता है, मैं भूल चुका था। शार्पनेस ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है तो जाने से पहले एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ शार्पन। थोड़ा रहते रहते रह गया। मुझे लगा था अच्छा मौका था फोर साइड। ओके यार टीरेक्स भी आ चुके हैं यहां पे। ये क्या अटैक था यार, इतनी लंबी जंप। वो भी टीरेक्स और टोबी कटाची में टर्फ वॉर हो चुकी है, पहली बार मैं देख रहा हूं। टफ टॉय की तरह पटक दिया है टीरेक्स पे। और साइड कॉम्बो कंप्लीट, दोनों के बीच में दहाड़ की लड़ाई चल रही है। फिर से नहीं। और साइड कॉम्बो कंप्लीट, ईआई स्पिरिट स्लैश सही टाइम पे था। अरे यार कितना चिल्लाएंगे ये लोग। फिर से टेंडराइज भी खत्म हो चुका है। बुरा हाल, थोड़ा डिस्टेंस लेके मैं कर लेता हूं खुद को हील। खैर कोई दिक्कत नहीं। अगर फ्रंट व्यू से मैंने नोज डाइव किया, अरे क्यों। खैर कोई दिक्कत नहीं,
बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो तब तक कर लेता हूँ तलवार को शार्पन, तब तक ये लोग लड़ लेते हैं। मेरी तरफ क्यों यार, नहीं टीरेक्स। फिर से मौका मिला, कर लेता हूँ शार्पन। नहीं 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 नहीं, बच गया। मैं जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस ले रहा हूँ, वो लोग सिर्फ मेरी तरफ ही आ रहे हैं। काफी ज्यादा टाइम बिताया है डेवलपर्स ने इसके आई पे। फिर से नहीं, मास्टर रैंक में मॉन्स्टर का सब्सटेंस कम है लेकिन दहाड़ना बहुत ज्यादा है, फालतू का एनोयंस। और फिर से वो टीरेक्स के इलाके में घुस चुका है। अब मैं वही करूंगा जो करता आया हूं, जॉब छोड़ दूंगा। एकदम ही जोश से मेरे ऊपर अटैक किया उसने। पॉइजन का जो प्लांट था उसको मैंने नीचे कर दिया ताकि उनको पैसिव डैमेज मिलता रहे। पॉइजन से मेरे को पैसिव डैमेज मिलने लगा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा डिस्टेंस लूंगा और बिगर वॉर्फ से कर लूंगा खुद को हील। नाइस वन टू भी गड़ा की। क्यों यार इतना चिल्लाना क्यों? कभी कभी लगता है मेरे को ईयरप्लग्स में इन्वेस्ट करना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं बस एंजनाथ मेरे पीछे ना पड़ा हो। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट, नाइस परफेक्ट। फोरसाइट एक और बार, कॉम्बो हो चुका है कंप्लीट। अगर तुमने नोटिस किया होगा साइड से ग्रेट जागरॉस गया है। और ग्रेट जैगरॉज आ चुके हैं, दोनों को कर दिया मैंने स्टन। और दोनों को मैंने स्टन इसलिए किया ताकि दोनों में लड़ाई हो जाए। कि ग्रेट जैगरॉज अगर मतलब डुअल एनिमीज हुए तो मैं संभाल सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है। तो भिड़ चुके हैं वो लोग एक दूसरे से। टाइम लेकर मैं शार्पन कर लेता हूँ अपना वेपन। बड़े ही कार्टून तरीके से गिरा है टू बिकड़ा जी। एक और बार फिर से कार्टूनी तरीके से गिरा टू बिकड़ा जी। ये कौन सा नया मूव था जगरोसी का? ओह,
उल्टा हिटबॉक्स। तो भी कड़ाजी फिर से स्टन हो चुका है थैंक्स टू ग्रेट जैक। ओ नो, मुझे लगा ग्रेट जैक रहा सर मेरे दोस्त, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। स्लाइड हो गए यार ये लोग। रोल आउट, हिट नहीं किया। एक और बार फिर से, नाइस हिट। शिट यार, तो एटलीस्ट टोबी कडाजी का अटेंशन है अपने पास और वो लगे पड़ा है ग्रेट जैक रॉस को मारने में। कोई दिक्कत नहीं, एक को ना लगे तो दूसरे को लगे सही। बढ़िया शॉट, लेकिन लग गया ग्रेट जैक रॉस को। चलो कॉम्बो कंप्लीट हो चुका है, तो भी एक और बार टेंडराइज करेंगे इसको। एक और बार, नाइस। लाजवाब फाइट थी वो। कर लिया मैंने वेपन शार्प और चल देते टोबी के पीछे। टोबी बुरी तरीके से थक चुका है, तड़प रहा है अभी, बस मौत चाहिए इसको। नाइस, बढ़िया डैमेज। एक और बार, क्लोज इनफ। फोरसाइट कॉम्बो, नहीं कॉम्बो कंप्लीट नहीं हुआ। फोरसाइट और क्वेस्ट ही हो चुका है कंप्लीट। बहुत सही, अगर उसी लोकेल में होते या फिर उसी जोन पे होते तो शायद ग्रेट जैक रॉस भी खत्म हो जाता। खैर क्वेस्ट बढ़िया था, क्वेस्ट थोड़ा लंबा था लेकिन मजेदार था। जाके देखते हैं ग्रेट जैक रॉस अभी तक वहीं पर होगा कि नहीं, अगर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद नहीं है, खैर कोई दिक्कत नहीं। वेट करते हैं अभी क्वेस्ट के खत्म होने का। मज़ेदार क्वेस्ट था दोस्तों, होपफुली इस क्वेस्ट में अपने को ग्रेट जैक रॉस देखने को मिला, तो उससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ग्रेट जैक रॉस का एक नया मास्टर रैंक का क्वेस्ट अनलॉक हो जाए। हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यार चलते हैं मास्टर रैंक पे, ऑप्शनल, और लगता नहीं कि कोई क्वेस्ट अनलॉक हुआ है उसका। तो यार एक आखिरी क्वेस्ट कर लेते हैं वाइल्ड स्पायर वेस्ट में, और ये होएगा बैरोथ का। क्वेस्ट कर लिया मैंने एक्सेप्ट, और इस बार काफ़ी टाइम से मैं मील वगैरह नहीं करके जा रहा था, और बैरोथ के लिए देखा ही है तुमने काफ़ी खूंखार मॉन्स्टर है वो, उसके लिए मील करना ज़रूरी है। क्वेस्ट हो चुका है शुरू, यार चल लेते अभी
बैरोथ की तरफ। बहुत ही बुरी जगह पर मेरे को उतारा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, पास वाले कैब में चल दूंगा मैं, एटलीस्ट एक मील करके आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता बैरोथ से मैं खाली पेट लड़ पाऊंगा आधे हेल्थ के साथ। पे विथ मनी ले लेते शेफ चॉइस प्लेटर। हेल्थ 50, स्टैमिना 50, अटैक बूस्ट भी थोड़ा बहुत मिला है, बढ़िया पावर अप्स है। और ऐसा लगता है कि बैरोथ के स्पॉन पॉइंट के काफ़ी पास है ये वाला कैंप, तो ज़्यादा कुछ मिस भी नहीं किया अपन ने। मिल चुके हैं मुझे बैरोथ के फुटप्रिंट्स, की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि स्काउट फ्लाइज वैसे ही रास्ता दिखा रही है। कर लेता हूँ मैं कुछ रिसोर्सेस फार्म, और देख सकते हो यार कुछ नया रिसोर्स मिला है मेरे को, स्पिरिट वेन क्रिस्टल, और एक और नया रिसोर्स मिला मेरे को, ड्रैगन कोर ओर। तो मास्टर रैंक में ऐसे ही बहुत सारे रेयर रिसोर्सेज वगैरह है जो रैंडमली मिलते रहते हैं। प्योर क्रिस्टल करके एक और रिसोर्स मिल चुका है मुझे, नाइस। और यहां पर है बैरोथ, स्लिंगर एमो भी मिल चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर एरिया इतना क्लोज है कि बैरोथ को मैं मार्क नहीं कर सकता, या फिर कर सकता हूं जब तक वो मेरी तरफ आता है, मैं यहीं पर चीजें कलेक्ट कर लूंगा। बढ़िया, पीछे मुड़, नाइस, बढ़िया फ्लिंच शॉट था वो। और ये आ चुका पहला टेंडराइज, दूसरा टेंडराइज, और ये तीसरा टेंडराइज भी आ चुका है। बैरोथ हो चुका है स्टन, और मैं भी हो चुका हूं स्टन। नाइस डॉज, ओह सही टाइम पे फोरसाइट नहीं कर पाया मैं। फोरसाइट कनेक्ट नहीं हो पाया अटैक, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। काफी जल्दी कर दिया मैंने फोरसाइट इस बार, दूसरे पैर को भी मैं कर दूंगा टेंडराइज, नाइस। थोड़ा स्टन करता हूं और फोरसाइट, पोजीशनिंग बहुत ही गलत थी वहां पे। फिर से गलत पोजीशनिंग, कोई दिक्कत नहीं, कितने रोर्स यार, कितने रोर्स। मुझे लगा वो फिर से रोर करेगा, ऑफ कोर्स क्यों नहीं। इनको यूज करके मैं अपना स्पिरिट गेज फुल करूंगा कि पैरोथ के मल्टीपल रोर्स की वजह यही लोग थे। मुझे बस ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए, मजाक कर रहा था, बट एनीवे चलते हैं बैरोथ के पास। पोशंस वगैरह फुल है, होपफुली इसको स्लाइडिंग अटैक दे सकूं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। बेकार कोशिश। खुद ही को इसने वाइल्ड फायर पे दे मारा है। और बढ़िया कोशिश,
मतलब एक और बढ़िया स्टन, थैंक्स बिल्ले, और हेड पे पड़ चुका है फोरसाइट, नाइस। एक और बार कर लेते स्पिरिट गेज फुल, फिर से नहीं, दहाड़ा बंद कर, नाइस। तो यार ऐसा लग रहा है कि उसके हेड को एक बार फिर से टेंडराइज करना पड़ेगा, बुरी कोशिश। उस पत्थर यहां पर है, ओके, हो चुका है टेंडराइज, नाइस। फोरसाइट, फोरसाइट एक और बार, बढ़िया, नहीं, ओके ओके, अच्छा वह शॉट पड़ा वो, एनीवेज, थैंक्स बिल्ले। एक और हेल्थ ब्रेकर सर पे, बढ़िया शॉट, इससे करते स्पिरिट गेज फुल, बहुत ही बढ़िया फेड ऑफ शॉट था वो, ओके, सवार हो चुका हूं मैं अभी इस पे, और मुझे चाहिए इसकी पूंछ, कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम अटैक्स जो है वो मैं अपने पूंछ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकूं। आज बैरोत अपनी जान के साथ अपनी पूंछ भी खोएगा, बढ़िया शॉट, और पूंछ पे भी मैं मारूंगा हेल्म ब्रेकर। शार्पनेस फुल भले ही ना हो लेकिन असरदार होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पूंछ को कर दूंगा मैं टेंडराइज, शार्पनेस बहुत कम हो चुकी है जैसे कि देख सकते हो, मौका मिलते ही, नहीं, नाइस सेव, थोड़ा डिस्टेंस लूंगा और कर दूंगा वेपन को शार्पन। फिर से उसको बेट किया मैंने उसके अंदर, ऐसा लगता है कि पत्थर सबसे कमजोर स्लिंगर है वो है, किसी को भी मारो किसी को कुछ होता नहीं है। यहां पर देख सकते हो गाजाला काज भी मौजूद है और वो खुद को कीचड़ पे रगड़ रहा है, बहुत बढ़िया। एक और बार पूंछ पे, नहीं, क्यों भाई, चलो कर लेते हैं यार पैरों को टेंडराइज, बढ़िया। मुझे लगा हिट बॉक्स पे लग जाएगा, नहीं, बैरोथ कमजोर हो चुका है तो होपफुली
वेट करते हैं इसके सोने का, और जैसे ही सोता है इसको मैं दूंगा एक वॉल बैंग, और होपफुली मेरा स्पिरिट गेज तब तक बरकरार रहे। देखकर तो लगता नहीं है कि रहेगा। खैर, उम्मीद में दुनिया का आया मैं। तो यार ये अपनी नाक जो है वो एकदम बाहर निकाल के सोता है, बहुत ही आसान। ओह, मैं भूल ही गया था कि इसके पानी के निकलने का स्टाइल ये है। फिर से नहीं, और यार पूंछ काट रही है मैंने। चलो अभी मैं अच्छे से खेल सकता हूँ। बढ़िया फोरसाइट, टाइमिंग अच्छी थी फोरसाइट की। और ये हेल्म ब्रेकर मॉन्स्टर हो चुका है स्टन, और मॉन्स्टर खत्म। मजेदार लड़ाई थी काफी पैरोट की। चलो यार मॉन्स्टर को कर लेते हैं लूट, उसके बाद इसकी पूंछ भी लूटनी है, लेकिन मिनी मैप में पूंछ मुझे कहीं खास दिख नहीं रहा। यहाँ पर भी देख सकते हो बैरोथ के बहुत सारे मॉन्स्टर मास्टर रैंक के मटेरियल्स वगैरह मुझे मिल रहे हैं। इसकी टेल, हाँ यार बैरोथ लाश मिल चुका है, बैरोथ हो चुका है खत्म। मजेदार क्वेस्ट था, काफी नए मूवसेट देखने के मिले बैरोथ के। और इस बार अगर तुमने नोटिस किया होगा, बैरोथ खुद को मड में रगड़ रहा था, जो शायद बहुत ही एक नया एनिमेशन था जो मास्टर रैंक में देखने को मिला। तो यार क्वेस्ट हो चुका है खत्म, होपफुली एक अच्छा डेकोरेशन भी मिल जाए इस बार। मॉन्स्टर टफ बोन, और वाइटैलिटी ज्वेल मिला है जो बुरा नहीं है। एटलीस्ट 3 वाइटैलिटी लेवल 1 ज्वेल तो अपने इन्वेंटोरी में रहना ही चाहिए, ताकि हेल्थ बूस्ट 3 कभी भी किसी में भी लगा सको। ओके, तो यार नेक्स्ट टाइम होरोफ्रॉस्ट रीच के स्टोरी मिशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुमको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि मास्टर रैंक की ग्राइंडिंग तुमको कैसी लग रही है, और मेरा मेन वेपन लॉन्ग स्वॉर्ड तुमको कैसा लग रहा है, और सेकेंडरी वेपन जो कि है इंसेक्ट ग्लेव वो मैंने यूज़ नहीं किया है। तो कमेंट में ये भी बताओ कि तुम्हारा मेन वेपन कौन सा है और तुम्हारा सेकेंडरी वेपन कौन सा है। और इसी के साथ यार मैं तुमको मिलता हूँ अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए अलविदा।